हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के चैनल सान्विक ब्लॉग्स में। तो आज है दिन सोमवार का और सुबह के 11 बज रहे हैं, और हमने सोचा लाइए पापड़ बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि होली को कुछ भी दिन नहीं रह गए हैं और काम दिन पता नहीं चलता काम काम में कब ख़त्म हो गया दिन। तो हमने यहाँ पे 2-2.5 किलो आलू बॉईल कर लिए थे और इसको अच्छे से पील कर लिया। अभी हम इसको ग्रेट कर रहे हैं ग्रेटर से, क्योंकि अगर इसे हम पीसेंगे यहाँ पहले तो ये मिक्सी से पीसेगा नहीं, मिक्सी ख़राब हो जाएगी। फिर इसको अगर हम सिलबट्टे से ही पीसेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है और बहुत मेहनत पड़ती है। इसलिए आलू को पीसने का सबसे अच्छा आइडिया यही है कि इसको इस तरह से ग्रेट कर लिया जाए और उसके बाद में हाथों से हथेली से कस के मसल मसल के इसको एकदम से चिकना कर लिया जाए, तो बहुत ही अच्छे पापड़ बन जाते हैं उससे। देखिए इस तरह से हमने हथेली से इसको मसला, लगभग 5 मिनट इसको इस तरह से मसलने से हमें बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा एक डो बन के तैयार हो जाएगा एकदम से स्मूथ, जिसके हम अच्छे से पापड़ बना सकते हैं विदाउट एनी लम्ब्स। तो चलिए इसमें इंग्रेडिएंट्स अपने ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने 1 चम्मच सॉल्ट ऐड कर दिया है, क्योंकि पापड़ जो आलू जो है वो सिकुड़ के बहुत कम हो जाता है, फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कमी ऐड किया जाएगा नमक। 2 चम्मच हमने इसमें जीरा ऐड किया, क्योंकि जीरा ही अच्छा लगता है इसमें, जीरे का फ्लेवर। और यहाँ पे 2 लाल मिर्च हमने क्रश करके ऐड कर दिए हैं। हल्का सा येलो कलर ऐड किया है, क्योंकि येलोइस कलर जो आता है ना पापड़ के ऊपर वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसको हमने अच्छे से, अभी इसमें मिर्च पड़ चुकी है इसलिए हमने यहाँ पे ग्लव्स पहना हुआ है। तो अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि जो कलर हमने ऐड किया है इसमें और भी सारा जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाते जाना है ताकि इसमें एक चिकनावट आ जाए और बनाते समय कोई दिक्कत ना आए, ये चिपके ना हमारी हाथों में। तो देखिए इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए हमने पति जी से पाउडर वाली जो पापड़ खार होती है वो मंगवाई थी, बट वो यहाँ पे चंक्स में लेकर आ गए थे, हमने मंगवा के रख ली थी ये पहले से। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम इसमें अच्छे से इसको पीस लेंगे और फिर छन्नी से छान लेंगे। देखिए इस प्लास्टिक के ऊपर हम पापड़ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पापड़ खार जो पीस के तैयार हो चुकी थी उसको हमने छन्नी से छान लिया, क्योंकि इसमें छोटे छोटे चंक्स थे, अगर वो रह जाते तो फिर बनाने में दिक्कत होती। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है पापड़ को। जिस पन्नी पे हमें बनाना था, जिस प्लास्टिक पे, उसको हमने बिछा लिया है ऊपर से, एक छोटी सी प्लास्टिक लेके उसके थ्रू इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाते जा रहे हैं और इस तरह से बनाते जा रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसको, एक और टेक्निक होती है, इस तरह से ना बनाना चाहो तो आप कटोरी से ही बना सकते हो। ऐसे रखा और बस कटोरी से जस्ट इसको प्रेस कर दिया, तो देखिए कितने अच्छे गोल गोल जैसे ही पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं कटोरी से भी। तो अगर आप उस तरह से ना बनाना चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो। हमने सारे के सारे पापड़ इसके बाद कटोरी से ही बना के रेडी किए हैं इस तरह से। तो ये देखिए हमारे सारे के सारे पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। हमने इनको बनाया तो बाहर गली में था, लेकिन फिर हमने इन्हें सुखाया अंदर पंखे की हवा में, क्योंकि धूप में इतने अच्छे नहीं सूखते हैं जितने ये पंखे की हवा में सूख जाते हैं, एकदम से पतले होते हैं, उनमें ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती नहीं है। हमने लगभग आधे घंटे इनको बाहर छोड़ा था, उसके बाद पंखे की हवा में डाल दिया, बहुत अच्छे येल्लो इस कलर आया था, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यहाँ देखिए हमने जो अपनी कुर्ती का कपड़ा काटा था उसका सूट बनने ही वाला है, उसमें 5 मिनट का काम और रह गया था, तो हमने सोचा लाओ ये भी निपटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने स्लिप्स में बेल स्लिप का डिज़ाइन दिया है, ये बहुत चल रहा है आजकल, अच्छा भी लगता है। पहले भी है तो ये पुराना डिज़ाइन, पहले भी हमने शादी से पहले भी इस तरह के डिज़ाइन बहुत बना बना के पहने हैं। इस बार फिर से मन हुआ तो सोचा लाइए बना के देखते हैं। ये 1.5 मीटर कपड़ा था, 1.5 मीटर कपड़े में बच भी गया, मेरी फुल कुर्ती भी बन गई और फुल स्लीव्स की, और इस तरह से डिज़ाइन भी बन गई उसमें। तो देखिए हम यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं और बस थोड़ा 2 मिनट का काम और रह गया इसमें डोरी बनाने के लिए, तो डोरी भी बना देंगे, उसके बाद कुर्ती हमारी रेडी हो जाएगी। इसकी जो स्लीव्स में जो बेल स्टाइल जो हमने फ्रिल लगाई है, इसमें हम पीको करवाएंगे, घर में इसको नहीं सिलेंगे, क्योंकि इस टाइप से सिलने में दिक्कत होती है। पीको कराने के लिए दे देंगे पति जी को, वो करा लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है, बस इसमें स्लीव्स लगना बाकी है, और स्लीव्स भी हमारी रेडी हो चुकी हैं, तो बस अटैच कर देंगे, उसके बाद रेडी। इसमें बाकी का सारे हाथ का काम बचेगा, जो तुरपाई वगैरह है वो हम अपने हाथ से बाद में कर लेंगे, मशीन का सारा काम ख़त्म, बस इसको अटैच करना रह गया है। सिलाई कर लीजिए, जूम कर कल दिखाते लगाए कर।
कुर्ती बनाई हुई है माँ ने, एकदम बढ़िया सी है, व्हाइट कलर की, और इसकी देखिए बेल स्लीव्स हैं, ये देखिए इतनी प्यारी सी स्लीव्स हैं, इतनी मतलब यूनिक स्लीव्स हैं, जो कि आपको वीडियो ये देखिए स्लीव्स हैं, आई लव इट, और बहुत ही प्यार। ऐसे देख के तो मेरा मन कर रहा है कि मैं माँ से अपने लिए भी एक सूट बनवा ही लूँ, बिल्कुल ऐसा ही। और बहुत ही प्यारा सा है, और इसकी सबसे ज़्यादा स्लीव्स अच्छी लगी हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसा है ये सूट। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे पापड़ सूख चुके हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं सूखने के बाद। बिल्कुल ज़रा सा एक चुटकी हमने इसमें येलो कलर ऐड किया था और कितने ही प्यारे लग रहे हैं देखिए। तो अभी हमको सेक के दिखा रहे हैं, बहुत ही जल्दी ये सिक जाते हैं। पहले हमने ऑयल गर्म किया, उसके बाद गैस को ऑफ करके फिर हमने यहाँ पर दो तीन पापड़ सेके हैं सिर्फ टेस्ट के लिए और बच्चों का मन हो रहा था खाने के लिए। तो गाइस, हमारे पापड़ बन के हो चुके हैं तैयार, देखिए कितने ही मस्त पापड़ बने हैं हमारे। मजा आ गया, मस्त टेस्टी है यार। गाइस, में पापड़ खार डालने की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट वैसे हैं, मतलब एकदम खसखसे बने हुए हैं बिल्कुल भी। अगर आप पापड़ खार नहीं डालते तो बहुत ज़्यादा टाइट बन जाते हैं ये चुभने वाले, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सॉफ्ट वाले क्रंची हैं ये, सॉफ्ट वाले क्रंची जो होते हैं देखिए। तो जी, हो चुकी है शाम और बच्चों की ट्रेन देखिए स्टार्ट हो गई यहाँ पे, पता नहीं कहाँ को जाएगी ट्रेन। तो मस्ती चल रही है बच्चों की। आयु का कल बर्थडे है और आयु के लिए देखिए क्या क्या सामान आया है। ये आयु के कपड़े हैं येलो येलो, मेरी हीरोइन के येलो कलर के कपड़े हैं, क्रॉप टॉप और स्कर्ट है। ये मेरी हीरोइन की सैंडल्स हैं, अभी वो रेडियो के दिखाएगी आपको। हाय दोस्तों, हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब? तो रात के समय 10 बज रहा है, 11 बजने का टाइम है लगभग, और हम लोग सोने जा रहे हैं। और कल हमारी हीरोइन मतलब के आयत का बर्थडे है, बर्थडे भी है। तो कल खूब ढेर सारा एंजॉय भी करेंगे हम लोग, छोटी मोटी गरीब पार्टी भी करेंगे, देखते हैं। पर अगर हमारी मैडम जी का स्वास्थ्य ठीक रहा तो, क्योंकि आजकल उनका स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा है, तो इसी वजह से कुछ कह नहीं सकते हैं कि मतलब पार्टी कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। अगर मेरी मैडम जी ठीक रहीं तो पार्टी होगी, और नहीं तो फिर आप लोग भी समझ सकते हैं जब काफ़ी दिक्कत हो रही है इन्हें, थोड़ा सर में पेन हो रहा है इनके दो एक दिन से। तो गाइस, आज का ये छोटा ही सा ब्लॉग काफ़ी है, और तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आज ब्लॉगिंग कर नहीं पाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, तब तक के लिए बोल, तब तक के लिए बोल, तब तक के लिए मैं तो तब स्लो मोशन में बोलने की कोशिश कर रहा है वो। बाय बाय गाइस, बाय गाइस, गुड नाइट, बाय गाइस, गुड नाइट।